हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और देखने जा रहे हैं एपिसोड 390 का पार्ट 2। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। और जहाँ तक प्रश्न रहा घनिष्ठता का, तो वो परिवार के सदस्यों के आपसी व्यवहार पर निर्भर करता है। माता पिता अपने संतान को कैसे शिक्षा प्रदान करते हैं, कैसे उन्हें प्रेम के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। पार्वती, घनिष्ठता कभी भी प्राचीर से विभाजित कक्षों द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। का कारण क्या है? चलिए देखिए, हम सबसे मिले कौन आया है? नानी माँ। ओहो, याद किया और आज माँ? हाँ, और वो भी ढेरों उपहार लेकर। चलिए चलिए। ऋषि मार्कंडेय को महादेव के सबसे महान भक्त का प्रणाम। जिन्हें महादेव स्वयं अपना महान भक्त घोषित कर चुके हैं, वो मेरे आश्रम में पधारे। अपने भाई कुबेर से मिलने जा रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। ये मेरा सौभाग्य है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महादेव भक्त को और क्या चाहिए? महादेव की भक्ति के अतिरिक्त अशानंद, आपने असुरों के लिए बहुत ही महान उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप निसंदेह महादेव के महान भक्त हैं। पधारिए भाई। आपने कुछ ग्रहण नहीं किया, क्या बात? कोई चिंता? कितने कल्पों से आप महादेव के उपासक रहे हैं? एक बात बताएं, कैलाश कहाँ है? वहां तक पहुंचा कैसे जा सकता है? कैसा लगता है महादेव के कैलाश पर, महादेव के समीप? दशानंद, कैलाश पहुंचकर मन के सारे विकार मिट जाते हैं। हम सब ऋषियों को परम आनंद की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है, महादेव से ज्ञान प्राप्त होता है, और महादेव हमें अपने सत्य से परिचित करवाते हैं। मुझे लगता है मस्ता है इसके। क्या हुआ दशानंद? कैसी शिव भक्ति है ये? मैं कुछ समझा नहीं। आपके मुख से मैंने ये तो सुन लिया कि महादेव से आपने क्या क्या पाया है, किंतु एक बार भी आपके मुख से मैंने ये नहीं सुना कि आपने क्या क्या दिया है। किंतु महादेव को अपने भक्तों की भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। वो तो वैरागी हैं, उनकी आवश्यकताएं तो है ही नहीं। आपने कभी पूछा उनसे? जी, आपने या किसी और भक्त ने कभी उनसे पूछा कि हे प्रभु, आपको क्या चाहिए? आपने या किसी अन्य भक्त ने ये प्रयत्न मात्र भी किया कुछ करने के लिए, उन्हें कुछ देने के लिए? ब्राह्मण कुछ देना चाहता भगवान के बाद भी। वैरागी वैरागी है महादेव, वैरागी तो आप भी है ऋषि मार्कंडेय। फिर आपने ये अपना आश्रम क्यों बनवाया है? सही बात। क्यों नहीं रहते आप महादेव की भांति?
यदि अपनी सुख सुविधा का ध्यान है आपको, तो महादेव की सुख सुविधा का ध्यान कौन रखे? दशानन प्रभु तो नहीं, रहने दीजिए। महादेव का ये सच्चा भक्त उनके लिए सब कुछ करेगा। मैं संसार को दिखा दूंगा कि अपने प्रभु के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे प्रकट की जानी चाहिए। स्मरण, श्रवण, कीर्तन, इन सब से केवल भक्त को लाभ होता है। किंतु अब मैं अपना ये जीवन प्रभु के जीवन को सुखमयी बनाने के लिए समर्पित करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मुझे अपने महादेव के लिए एक भव्य महल का निर्माण करवाना है, और एक ऐसा महल जो केवल देवों के देव महादेव के पास हो सकता है। यशोधर, महादेव की सेवा का कोई एक मार्ग निर्धारित नहीं है। आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, जो हम ऋषियों में है, आप में भी है दशानन। अगर आपको उनके लिए महल बनाकर प्रसन्नता मिलती है तो आप अवश्य बनाएं। हाँ जी दशानन, किंतु एक बात कहूंगा, महादेव महल की भव्यता से नहीं बल्कि अपने महान भक्त की मंशा से प्रसन्न होंगे। अपने सौतेले भ्राता कुबेर से अलकापुरी में मिलने के पश्चात मैं कैलाश के लिए प्रस्थान करूंगा, अपने प्रभु के धाम। ठीक है, देख लेते हैं अभी क्या करते हैं। समझ गए हैं, जल्दी पुत्री, हम तुम्हारे लिए आभूषण एवं श्रृंगार की सामग्री लाए हैं और शेष उपहार बच्चों के लिए। गणेश जी को मोदक चाहिए बस। क्या बात, क्या बात। पुत्री, तुम्हें उपहार पसंद नहीं आए? आरती के लिए नहीं, कोई चीज नहीं है, बच्चों के लिए है, तीनों के लिए है, कपड़े सब के लिए है। माँ, आप बहुत सारे उपहार लाए हैं, किंतु इनमें से हम कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। पुत्री, ये नई चीजें आप चाह रही हैं, पसंद नहीं आए,
नहीं माँ, आपके ये उपहार तो बहुत सुंदर है। किंतु यहाँ कैलाश पर इन्हें रखने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। वही बात हुई है। ये कौन सी बात है? यदि हमारे पास एक भवन होता तो हम इन्हें अवश्य रख लेते। अब भवन का कोई सीन निकलना ही निकलना है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इन्हें अपने साथ वापस ले जाइए। कहलवाना चाहती हैं, नहीं हम कुछ ना कुछ अरेंज करते हैं। करते हैं महादेव जी, बोल दें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि समझाया स्टार्ट में महादेव जी ने यही चीज़ें हैं कि इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी वो अभी तक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब रावण निकल चुके हैं, कुबेर से मिलने जा रहे हैं, वो तो सो रहे होंगे अपना आराम से। लेकिन रास्ते में कुंभकर्ण सो रहा है। कुंभकर्ण सॉरी भाई, लेकिन यार एक ना वो ऋषि मार्कंडे से मिले हैं, तो उनको आप देख ले कि उन्होंने कैसी कैसी चीज़ें पूछ ली कि आपकी अगर ज़रूरत है, आप भी तो विरागी हैं, लेकिन आपने ये कोठड़ी बनाई है, आप यहाँ पर रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, हर चीज़ आपके पास, आश्रम बहुत बड़ा। लेकिन फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि महादेव जी की चीज़ें ज़रूरत नहीं है, उनको कैसे ये चीज़ें हो सकती है? एक एक रावण आप भाई सच्चा भक्त है, तो उसको एक आप सच्चे भक्त का होने का एक एक मतलब के उनको दिखाना भी है कि मैं सच्चा भक्त हूँ, तो भाई वो चीज़ें करेंगे। क्योंकि जब वो एक बारिश में भीग कर भाई आए थे अंदर महल में, तो तब उनको एहसास हुआ कि भाई महादेव जी तो उधर कैसे मतलब के रहते होंगे, अगर उनके पास महल नहीं भी तो महल तो बनाना ही पड़ेगा, वो भी अब सोने का। तो इस भाई अब वो कोशिश में अब सबसे मिल भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि आपको सब ज़रूरत होती है, लेकिन आपने कभी महादेव जी से पूछा है? हाँ, लेकिन ये कि आप उसकी इच्छा ज़रूर है कि भाई वो कैलाश के कैलाश पे जाए और वहाँ पे जाके देखे, लेकिन उसे अभी पता नहीं है कैलाश का है। लेकिन अब वो कह रहा है मैं अपने भाई से मिल के वापसी पे ज़रूर जो है ना वो उस साइड के ऊपर निकलता हूँ। लेकिन देखो एक अच्छी चीज़ है, उसके जेहन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, यही आ रही हैं कि मतलब वो एक जो मतलब भवन या वो जब उसने फील किया कि बारिश है तो भीग रहे हैं, तो महादेव जी भीग रहे हैं, तो इसलिए उसने ये स्टेप लिया। हाँ पार्वती जी भाई एक चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रही माता की, तो वो अब कोई इसका हल ज़रूर निकलना है, जो ये चीज़ निकल आई है ना भवन वाली, आप किसी साइड के ऊपर ज़रूर जाएगा बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।